हाय फ्रेंड्स, फूलों की कलियों की हवाओं की खुशबू की बात होगी जब वो स्पेशल मुलाकात होगी। ये स्पेशल मुलाकात इसलिए कुछ और भी खास होगी क्योंकि हमारे साथ होंगी एक बहुत ही सुरीली सिंगर एंड एन एफिशिएंट गायनेकोलॉजिस्ट। यूनिक कॉम्बिनेशन ना। वेल, शी इज नन अदर देन डॉक्टर पूजा दीवान। लेट्स वेलकम। नमस्कार राजू जी, अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, ब्यूटीफुल सराउंडिंग, इतनी खूबसूरत है ये सरसराती हवा की लय और गुनगुनाती कोयल की तान, मन एक सुकून से भर जाता है ना पूजा जी? जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये साउंड्स ऑफ नेचर, ये कुदरत की आवाजें, ये ध्वनियाँ, ये चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सनसन, कोयल की कूक, पत्तों की सरसराहट, ये बारिश की बूंदों की टिप टिप रिमझिम, और मेरे दिल की धड़कन, सांसों की लय, दिल को बहुत सुकून देती। पूजा जी, साउंड्स ऑफ नेचर के बारे में बात करने के लिए इस समय मिकी अग्रवाल मन गुनगुना को ज्वाइन कर रही हैं। हेलो डॉक्टर पूजा जी, हमें आपसे कुछ जानना था। ये जो आपने बताया साउंड्स ऑफ नेचर, ऐसा कुछ म्यूजिक में भी होता है या फिर ऐसा कोई गाना हो जिसमें ये साउंड्स ऑफ नेचर यूज हुआ हो, आप हमें बता सकते हैं क्या? यानी विकी ये जानना चाह रही हैं कि क्या ये जो नेचर के साउंड्स हैं, इन पर कोई गाना भी है? इन कुदरत के नजारों में, कुदरत की आवाजों में पिरोए हुए एक गीत को गुनगुनाने का मन कर रहा है, और इत्तेफाकन आपके प्रोग्राम का नाम भी मन गुनगुना ही है। पुरवा में छुपे सन सन और बादल के गरज, पपीहे का सुर है पंचम और कौए का खरज। और मैं तो मानती हूँ सुनने वाले सुन लेते हैं, कण कण में संगीत हो, धड़कन ताल है, सांस है सुर, जीवन है एक भी। ओह दैट्स वंडरफुल। मन गुनगुना में इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा जैन। डॉक्टर पूजा, जैसा कि आपने बताया कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक संगीतकार हैं, एक सर्जन भी हैं, तो मैं संगीत से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगी आपसे। जैसा कि आपने बोला कि मॉर्निंग राग होता है, तो इसी तरह हर पहर का अलग अलग राग होते हैं क्या? जी, राग समय के अनुसार बांटे गए हैं, जैसे कि प्रातःकाल, दिन का, सायंकाल, रात्रिकाल, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट के रागस। सुबह के समय का भी राग है, जैसे कि राग भैरव। गम ध ध प गम र र सा, जागो मोहन प्यारी, सावरे सुरतिया मेरो मन भावे, सुंदर श्याम हमार, जागो मोहन प्यारी। कुछ गीतों के बोल भी समय के अनुसार होते हैं। वेरी वेल सर। नेहा महाजन कुछ जानना चाहती है डॉक्टर इस समय आपसे। डॉक्टर पूजा, आप एक गायनेक हैं, तो आपके पास ऐसी लेडीज आती होंगी जैसे प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, और प्रेगनेंसी में जनरली ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कभी वो हाई रहता है, कभी लो रहता है।
आपको क्या लगता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन, डाइट के अलावा म्यूजिक भी एक रोल प्ले कर सकता है? जी, प्रेगनेंसी में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी गर्भवती औरतों को हो जाती है। हाई बीपी भी हो सकता है और लो बीपी भी हो सकता है। राग चिकित्सा में ऐसे राग हैं जो कि दोनों ही परिस्थितियों में सहायक हो सकते हैं। जो गंभीर सुरों वाले राग होते हैं जैसे कि राग मालकोस, वो लो ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है। जैसे कि मन तड़पत हरि दर्शन को, और जो थोड़े हल्के फुल्के हैं जैसे कि आहिर भैरव, जिसमें कि सुर थोड़ी देर ठहरे हुए होते हैं, या राग तोड़ी या राग भोपाली, दाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है, ये गाना हाई ब्लड प्रेशर के लिए राग भोपाली से। मन गुनगुना में अब हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं चारुल गर्ग। डॉक्टर साहिब, आप IVF एक्सपर्ट हैं, आप सर्जरी भी करती हैं, आप म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत कुछ काम किया है, और साथ में घर की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालना, वो तो सभी के कार्य क्षेत्र में आता ही। इतना सारा काम एक साथ करते हुए बहुत बार ऐसा होता होगा कि रात में नींद नहीं आती होगी नींद उड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं उठती हूँ तो मैंने ये बहुत बार महसूस किया है कि अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले ऐसा हो जाता है। मैं आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहती हूँ कि क्या म्यूज़िक में ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई सॉन्ग, ऐसा कोई राग है जिससे कि इस तरह की किसी इस तरह की समस्या को कुछ कंट्रोल किया जा सके? नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर दिन को तीन हिस्से में बांट दिया जाए तो एक तिहाई हिस्सा यानी 8 घंटे तो कम से कम सोना ही चाहिए। सुहावने गाने जिसमें मंद मंद हवा चल रही हो, हवा का झोंका हमें सुला दे, ऐसे गाने नींद दिलाने में बहुत ही सहायक होते हैं। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार के, अखियां थक गई पंथ निहार। कितना आनंदमय ऐसे जैसे हवा चल रही हो। राग बागेश्वरी से ये गाना सुलाने में जिसको नींद नहीं आती उसको बहुत ही फायदेमंद। एंड नाउ दीपा देसाई इज जॉइनिंग अस ऑन मन गुनगुना। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा दीवान है, जो एक संगीत विशारद भी है। तो डॉक्टर पूजा जी, हम आपको पूछना चाहते हैं कि जब बच्चा माता के गर्भ में पलता है तभी माता को कौन सा राग, कैसा गीत संगीत सुनना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छा गर्भ संस्कार मिले और माता को भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और जन्म के बाद भी माता और शिशु दोनों का जीवन सुमधुर संगीत जैसा चलता रहे? गर्भ संस्कार के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको तनाव टेंशन से मुक्त रहना चाहिए और ऐसे गाने सुनने चाहिए जिससे वो रिलैक्स कर सके, उन्हें खुशी मिले, उनका मूड अच्छा हो जाए, चाहे वो गायन हो चाहे वो वाद्य हो। जब माँ गर्भवती होती है तो उसके कोख में जब बच्चा पल रहा होता है, जो आवाज़ ध्वनि गीत संगीत वाद्य उसने सुना होता है, कहते हैं कि जो नवजात शिशु है वो पैदा होने के बाद 4 महीने तक उस ध्वनि को पहचानता है और उसको सुनने के बाद आराम से सो जाता है। ऐसे राग हैं जो टेंशन को दूर करते हैं जैसे कि राग हमाज, राग पुरिया, उन्हें सुनिए। जी पूजा जी, बहुत अभी हमको याद आ गई तानसेन जी की, जिसके पर फिल्म भी बनी है और जिसमें दीपक राग और मल्हार राग का उल्लेख भी है। तो आज हम जानना चाहते हैं कि राग से
रोग मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तानसेन जी के साथ तो कुछ ऐसे किस्से जुड़े हैं कि कहते हैं कि एक बार अकाल पड़ने वाला था, सूखा होने वाला था, तो उन्होंने ऐसी संगीत आराधना की कि बादल गरजे, वर्षा हुई और मियां मल्हार राग का नाम उसी पे रखा गया। और उन्होंने एक बार ऐसी संगीत यज्ञ किया कि चराग उजागर हो गई और राग दीपक उसी से नाम आया। मियां की तोड़ी एक राग है जिसमें कहते हैं कि उनका जो संगीत था, उनकी जो गायकी थी, वो इतनी प्रबल थी कि वो एक पत्थर को भी पिघला सकती थी और पत्थरी के इलाज में, स्टोन्स के ट्रीटमेंट में इस राग का इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और कौन नहीं मानेगा कि संगीत टेंशन, तनाव, एंग्जाइटी, फियर, भय सबको दूर करने में बहुत ही सहायक है। डॉक्टर पूजा, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग एंड दैट इज अबाउट सुमिरिनी, योर डिवोशनल एल्बम। आई मस्ट से कि उसके भजन सुनते वक्त बहुत शांत अंदर से लगता है, एकदम कंपोज हो जाते हैं, यू फील लाइक ईच ड्रॉप ऑफ पीस इज पोरिंग। तो ये एल्बम रिकॉर्ड करने के पीछे क्या कहानी रही, और अगर पॉसिबल हो तो डॉक्टर पूजा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एल्बम का एक भजन आप गुनगुना दें। सुमिरिनी म्यूजिक एल्बम एक आध्यात्म, भक्ति और भावपूर्ण गायकी की भजनावली है जो मैंने प्रस्तुत करी। सोलफुल, डिवोशनल और स्पिरिचुअल गानों का संग्रह। सुमिरिनी यानी जपमाला, प्रेयर बीट्स, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। मेरे गुरुजी ने मुझे एक प्राइवेट एल्बम बनाने के लिए कहा और मैंने भजन बनाने का सोचा। बनाने के बाद मैंने अपने माता पिता को उसे भेंट में दे दिया। लोगों ने उसको सराहा और कहा कि तुम किसी बड़ी कंपनी से क्यों नहीं उसे रिलीज़ करा लेते। और मैं टाइम्स म्यूज़िक के पास गई और भगवान की कृपा थी कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और टाइम्स म्यूज़िक के लेबल के तहत एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड रिलीज़ एल्बम का हो गया। अब दो एल्बम में और नई बना रही हूँ जिसमें एक फिर से भक्ति संगीत पर है और दूसरा फ्यूजन गायकी पर है। आपने मुझे कहा कि मैं अपने एल्बम सुमिरिनी का एक सुंदर सा गीत आपको सुनाऊं, तो एक प्रसिद्ध भजन है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इन मीठी गुनगुनाती बातों में बहुत सारा वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला, लेकिन अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मुझे भी आप सबके साथ मन गुनगुना पे गुफ्तगू करके बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। एंड बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, चारुल जी, नेहा जी, नेहा महाजन जी और मिकी जी, आप सभी का। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, बट यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव योर कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। And if you haven't, please don't forget to subscribe our channel, that is Whiting Entertainment. That's all for today. Bye-bye.